friends, welcome back of another video in this YouTube channel CE&T Civil Engineering Technology. Friends, आज की वीडियो में सीखते हैं how to calculate numbers of blocks. ठीक है, मैं ब्लॉक के बारे में काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, तो इसमें हम देखते हैं कि क्वांटिटी रिक्वायरमेंट ब्लॉक की कितनी आती है. ये आपके वॉल है, तो इस वॉल में आपको ब्लॉक निकालने कितना आपके ब्लॉक लगेंगे. ठीक है, ब्लॉक की क्वान्टिटी आपको रिक्वायरमेंट देनी है. अब मैं कंपेयर भी बताऊँगा आपको, अगर आप इसी वॉल में ब्लॉक निकालना है और इसी वॉल में आपको रेड ब्रिक्स निकालनी है, कंपैरिजन देखते हैं क्या ज़्यादा आता है, कितना वो आता है आपके पास, क्वांटिटी क्या आती है. तो रेट्स बताऊंगा मैं, रेट्स कंपैरिजन, दोनों के रेट्स में कंपैरिजन बताऊंगा. तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आपको जो भी नई वीडियो अपलोड करता रहूँगा आपको मिलती रहेगी. ठीक है, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें देख रहे हैं कि एक आपके पास कोई वॉल है, ठीक है, जो जिसकी हाइट है 3 मीटर और आपकी लंबाई है 4 मीटर. ठीक है, आपको इसमें ब्लॉक इसमें देखना है कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या आएगी ब्लॉक की. तो लेंथ आपके पास 4 मीटर है और हाइट आपके पास 3 मीटर है. मोर्टार आपको मोर्टार यूज कर रहे हैं सीमेंट और सैंड का, जो रेशियो आपके पास 1:3, 1:6, या फिर आप एडिसिव यूज़ कर रहे हैं. तो एडिसिव यूज़ करें तो वो आपका रेशियो क्या रहेगा, वाटर के साथ रहता है तो वो आपका एडिसिव रहेगा 1:3 में रहता है, ये वाटर एंड ये आपका एडिसिव केमिकल्स जो होता है. उसके बाद देखते हैं थिकनेस ऑफ मोर्टार. अगर आप मोर्टार यूज़ कर रहे हैं 10 mm यूज़ करते हैं आप, अगर आप मोर्टार सीमेंट सैंड मोर्टार यूज़ करें तो 10 mm आएगा, एडिसिव यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 mm यूज़ करना है. ठीक है, बस सेम प्रोसीजर आप इसमें करते जाएंगे, जो प्रोसीजर वो ले रहा हूँ मैं आप 3 mm में करते जाएंगे. जस्ट यहाँ पर आपको 10 mm प्लस करना है, जस्ट आप वहाँ पर 3 mm प्लस करेंगे. ठीक है, तो मैं वीडियो लास्ट में बताता रहूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा. तो ब्लॉक साइज़ आपके पास, ब्लॉक साइज़ क्या लेना है, 24 इंच बाई 8 इंच बाई 8 इंच. mm में बात करते हैं तो 600 बाई 200 बाई 200 mm का मोस्टली यूज़ होता है ब्लॉक का साइज़, या फिर 600 बाई 200 बाई 100 mm. जो आपका हेड, आपके दोनों ब्लॉक अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों साइज़ में आप ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, तो क्वान्टिटी सेम इसमें आएगी. ठीक है, तो क्योंकि मैं मेथड निकाल रहा हूँ एक सिंपल मेथड में, एक एरिया में. ठीक है, मैं इसमें जस्ट निकाल रहा हूँ एरिया स्क्वायर में, 12 मीटर स्क्वायर में. ठीक है, आपका स्क्वायर है 4 मीटर बाई 3 मीटर का हाइट है मीटर स्क्वायर, और ब्लॉक की जो थिकनेस है 4 इंची वॉल हो या फिर आपकी 8 इंची हो, जो थिकनेस है आपकी, उससे पर्पज़ नहीं है. बस हेड फेस में जो आएगा, इसमें जो क्वांटिटी आएगी दोनों में सेम आएगी. ठीक है, जस्ट स्क्वायर में ले रहा हूँ, बिकॉज क्यूब ओवर में नहीं ले रहा है, एरिया में निकालना है 4 इंची या फिर 8 इंची, जो थिकनेस आपकी ब्लॉक का, एरिया क्वान्टिटी सेम आएगी. उसके बाद देखते हैं सबसे पहले क्या करना है आपको, सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, स्ट्रक्चर फेस. आपको जो स्ट्रक्चर फेस रहेगा, सामने वाला जो स्ट्रक्चर फेस, ब्लॉक मोस्टली स्ट्रक्चर फेस में लगता है. ठीक है, स्ट्रक्चर फेस में लगता है, अगर आप उसमें, क्योंकि उसकी जो लंबाई होती है वह ज़्यादा होती है, इस बेस पर ही आपको स्ट्रक्चर फेस लेते हैं. हेडर फेस आपको मोस्टली आपको फेस साइड में दिखाई देगा. स्ट्रक्चर फेस विद मोटर, विद मोटर के साथ आपको इसका एक ब्लॉक का साइज निकालना है कितना है. मोटर आपने दो बोथ साइड में ही आप मोटर यूज़ करना है, बहुत ऊपर टॉप में, बॉटम में एंड साइड में. तो इसका साइज मोटर के साथ में बढ़ जाएगा. ठीक है, तो लेंथ आपके बाइक 600 mm की लेंथ है और 10 mm का मोटर इसमें यूज़ कर रहे हैं. तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ क्या, चौड़ाई क्या है आपके पास इसकी, आपकी जो ये थिकनेस है. ठीक है, ये आपकी जो थिकनेस है टॉप में, चौड़ाई क्या रहेगी आपके पास, 200 प्लस 10 200 प्लस 10 200 की. ठीक है, थिकनेस है 200 की, थिकनेस है वाइड 200 का वाइड है, प्लस 10 mm का मोटर यूज हो रहा है, 5 mm टॉप पे, 5 mm बॉटम में. ठीक है, अगर आप इसमें भी लेंगे तो इसका भी 5 mm टॉप में, 5 mm सेंटर में, तो उसका बोथ साइड का 5 mm, इसलिए प्लस करते 5 और 5 10, तो 1 साइड का ही हो जाता है, तो 10 mm. तो इन दोनों को प्लस एंड गुना करने पर आपके पास आता है 0.128 मीटर क्यूब मीटर स्क्वेयर. एरिया में निकाल रहे हैं तो एरिया आपके पास मीटर स्क्वेयर में आता है, 610 गुना 210. ठीक है, ये आपके पास mm स्क्वेयर में है, तो मीटर में निकालना है तो 0.mm में कर देंगे. ठीक है, तो सिंपल 1000 से भाग कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं नंबर्स ऑफ एसी ब्लॉक में क्या होता है, फार्मूला होता है नंबर्स ऑफ ब्लॉक निकालने के लिए. फार्मूला क्या आपके पास, एरिया ऑफ वॉल, कितना आपके पास एरिया वॉल है. ठीक है, आपने यहाँ पर निकाला था एरिया 4 बाई 3 मीटर, तो 4 × 3 = 12 मीटर आपके पास एरिया है वॉल का, 12 मीटर स्क्वेयर. ठीक है, उसके बाद देखते हैं एरिया ऑफ वन ब्लॉक विद मोटर. एरिया ऑफ ब्लॉक विद मोटर के साथ आपने निकाला, बिकॉज आप मोटर के साथ क्वांटिटी निकाल रहे हैं ब्लॉक में, तो इन दोनों गुना करने पर आपके पास था 0.1281. ठीक है,
तो सेम 0.1281 आपके पास वन ब्लॉक का साइज है। तो इन दोनों से इससे इससे भाग करते हैं तो 93.67 नंबर्स आते हैं, बट 0.67 है आधे से ज़्यादा है तो ये 94 नंबर्स ऑफ ब्लॉक आते हैं। अगर हम बात करें नंबर्स ऑफ रेड ब्रिक्स, अगर हम रेड ब्रिक्स की बात करें इसी में, तो एरिया ऑफ वॉल डिवाइड बाई हेडर फेस नो, बट इस कंडीशन में आपको ये याद रखना है कि इसमें आपको यूज कर रहे हैं 9 इंची में, इसमें आपको क्या करना है 190 × 90 × 90 mm होता है, यह 8 इंची का जो फेस और लंबाई होती है। इसमें आप ब्रिक लिए इस तरह की ब्रिक होती है, लंबाई आपकी 8 इंची है, बट 9 इंची में फेस आपको क्या दिखाई देगा, ये वाला फेस, जस्ट ओनली हेडर फेस, ये वाला फेस दिखा देता है 9 इंची वॉल में। तो हम क्या फेस लेंगे इसमें, 90 × 90 लेंगे। तो बस हमें वही करना है, यहाँ पे आपको देखना है, देखो ब्रिक का साइज है आपके पास 190 × 90 × 90, हेडर फेस को आपको गुना करना है, कैलकुलेशन निकालेंगे हेडर फेस से, इस वाले फेस से वॉल के अंदर कितनी वॉल ईंटें लगेगी 9 इंची वॉल में या फिर 8 इंची वॉल में। तो 90 प्लस 10 आप 10 क्योंकि मोर्टार, ठीक है, आप ब्रिक भी मेजर नहीं करेंगे तो 10 mm उसमें मोर्टार होगा बोथ साइड टॉप एंड बॉटम में गुना, तो 90 × चौड़ाई भी और थिकनेस भी सेम है, तो 90 प्लस 10 दोनों गुना करते हैं तो 0.10, ठीक है 0.10 और 0.10, ठीक है थिकनेस एंड विड्थ, तो कितना पास 0.10 मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ जाता है। सिंपल 12 मीटर स्क्वायर आपके पास वॉल का एरिया है और 0.01 आपके पास वन ब्रिक का एरिया है वॉल के अंदर, जो हेडर फेस सामने से दिखाई देगा 9 इंची 8 इंची वॉल में। तो इससे इसको भाग करते हैं तो 1200 नंबर्स ऑफ ब्रिक आती है, जहाँ पे आपको 1294 में नंबर्स ऑफ ब्लॉक आ रहे हैं और उसी साइड पे आपको 1200 नंबर्स ईंटें लग रही है, इसी वॉल में आपको 1200 ईंट लग रही है, उसी वॉल में आपको 94 नंबर ब्रिक ब्लॉक लग रहे हैं। दोनों में कितना डिफरेंस है एक साइज के अकॉर्डिंग, ये आसानी से आप लगा लेंगे इसको, कम से कम भी 3 घंटे में इसको आप यूज करेंगे तो यही आपको ब्लॉक लग जाएगा 2 घंटे में, ये आध हाफ टाइम में आप ब्लॉक इंस्टॉल कर लेते हैं इसका कंपैरिजन में, ब्लॉक हाफ टाइम में अगर 4 घंटे में लग रहा है तो 2 घंटे में आपका ब्लॉक इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद देखते हैं प्राइस, अगर हम प्राइस की बात करें तो 200 × 600 × 200 × 200 मोस्टली आपका प्राइस 90 to 100 रेट में मिल जाता है पर पीस, ठीक है, और 94 नंबर से ब्लॉक है तो आपका जो एयर रेट पड़ता है 8460, ठीक है, ये आपका ब्लॉक रिक्वायरमेंट आता है प्राइस। अगर हम इसकी बात करें तो आपका 6600 इसका रेट आता है, 1200 नंबर सा ब्रिक है और 5.5 आपका पर ब्रिक्स का रेट है मोस्टली ये चल रहा है, तो आपके पास 6600 रेट आता है, ठीक है, दोनों कंपेरिजन कितना हुआ। अगर हम बात करें मोटर की, सीमेंट सैंड मोटर की यूज करें, जॉइंट की बात करें, मेजन की बात करें, इन दोनों में प्लस करते हैं मेजन प्लस ले मजदूर, उसके बाद करते हैं सीमेंट सैंड, ठीक है, उसके बाद करते हैं क्यूरिंग, उसके बाद करते हैं डेड लोड, ये आपका सेविंग है, जस्ट ये सेविंग है आपकी, मेजन लेबर इसमें बच रहा है, टाइम बच रहा है, टाइम आपको सेविंग हो रही है, सीमेंट और सैंड कॉस्ट बच रहा है इसमें, ठीक है, तो दोनों का लगभग बराबर से पड़ जाता है, या उससे कम से कम सेविंग इसी में ही होती है एसी ब्लॉक में ही, लगभग बराबर से पड़ जाता है, बराबर से भी कम भी पड़ जाता है, सीमेंट आपको बच रहा है सेविंग, उसमें सैंड आपको सेविंग हो रहा है, उसके बाद आपका क्यूरिंग आपको सेविंग हो रही है, पानी आपको बच रहा है, उसके बाद डेड लोड आपको, डेड लोड में आपका स्टील बच रहा है, स्टील एंड एग्रीगेट, स्टील एंड कॉन्क्रीट आपको सेविंग हो रही है, ठीक है, तो आप डेड लोड में कंडीशन में, तो इस तरह से आपको इसमें निकाल सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ, तब तक मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की।